अस्सलाम वालेकुम, मैं हुजूर करनैन अहमद। द मिरर ऑफ डेज के ज़रिए पेश किए जा रहे एक मिनट के मदरसे में आपका इस्तकबाल है। आज का सबक है सबक नंबर 50। तर्जुमा अज़कार नमाज़। सुबहान रब्बी अलआला, पाक है मेरा रब जो बहुत बड़ा है। अत्तहियातु, तमाम ज़बानी इबादतें लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। नमाज की सुन्नतें, मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों को सलाम की नियत करना, मुक्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना, इमाम को दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पस्त करना। बड़े बड़े गुनाह जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, और एक गुनाह भी ऊपर से नीचे गिरा देने यानी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, मगर अल्लाह ताला जिस पर फजल फरमाए। जिहाद शरई से भाग जाना, रिश्वत के मामले में पड़ना, मसलन रिश्वत देने लेने का मामला तय करा देना, जुआ खेलना। गुनाह के नुकसान जो दुनिया में पेश आते हैं, अक्सर कामों में दुश्वारी पेश आती है, दिल में तारीकी व जुल्मत पैदा हो जाती है, जिसकी नौसत से आदमी बिदत व गुमराही व जहालत में मुब्तला होकर हिलाक हो जाता है। दिल और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है। दिल की कमज़ोरी ये है कि नेक कामों की हिम्मत घटते घटते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर दिल की कमज़ोरी से जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है। यही वजह है कि बज़ाहिर कवि व तंदरुस्त कुफ्फार भी सहाबा के सामने ना ठहर सकते थे। तात के फ़ायदे जो दुनिया में मिलते हैं, ज़िंदगी मज़ेदार हो जाती है, और ऐसी पुरलुत्फ ज़िंदगी बादशाहों को भी मैसर नहीं जैसी अल्लाह के नेक बंदों को नसीब होती है। बारिश होती है, माल बढ़ता है, औलाद होती है, बागात फलते हैं, नहरों का पानी ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से तमाम शुरूर आफात को दूर कर देता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।